बहुत शजर थे, थोड़े घर थे। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है मुनीर नियाजी। बिलाशुबा पाकिस्तान ने अपने क़याम के बाद से अपनी तीन नस्लों के लिए बहुत से शायरों को परवरिश का सामान फराहम किया। अलामा मोहम्मद इकबाल जैसे कौमी शायरों से लेकर दूसरी नस्ल के शायर मुनीर नियाजी तक, और मौजूदा दौर के शायरों की फहरिस्त बहुत तवील है। मुनीर नियाजी एक सच्चे शायर थे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी शायरी की और कुछ नहीं। वो 9 अप्रैल 1923 को मशरकी पंजाब के होशियारपुर के एक गांव खानपुर में पैदा हुए, जहां की अक्सरियत पठान नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल थी। 1947 में तकसीम हिंद के बाद वो हिजरत करके साहिवाल में मुकीम हो गए, जहां उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में अपने जज्बात के इजहार के लिए पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू का इंतखाब किया। उन्होंने सादिक एडजर्टन कॉलेज बहावलपुर से इंटरमीडिएट और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से बैचलर की डिग्री हासिल की। उन्होंने पंजाबी ज़बान में भी मकबूल शायरी लिखी, हालांकि उर्दू के मुकाबले बहुत कम लिखी। मुनीर नियाजी ने साल 1949 में साहिवाल से हफ्तावार 7 किलर्स का आगाज किया। इनके इंतकाल पर मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि मुनीर इस कदर पुरअज़्म थे कि उन्होंने जमालियात पर कभी समझौता नहीं किया, इसलिए वो दानिश्वर अशराफिया और अवामुन्नास में यकसा मकबूल थे। अकेडमी ऑफ पंजाब नॉर्थ अमेरिका ने मुशाहिदा किया कि मुनीर नियाजी अपने मुल्क और इसके लोगों के लिए उम्मीद और मोहब्बत का नज़रिया रखते थे। इनके 2 अशआर नकल किए गए हैं। यही जबरे मर्गे मुसलसल है ज़िंदगी, जहां मैं इस पर मगर इख्तियार किसका था, और कुछ शहर दिलोग वि ज़ालिम सन, कुछ मैनू मरणदा शौक भी सी। पंजाबी ज़बान में मोहब्बत सबसे ज़्यादा पायदार मेयार थी, और शायरी ज़िंदगी के सबसे मुतासिर कुन पहलू की अकासी करती थी। इनकी शायरी ने नौजवान अदीबों और शायरों की एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया, और वो शायरी में ऐसे गैर मामूली और ताकतवर इस्लूब कायम करने पर इनके मकरूज़ हैं। मुनीर नियाजी के तमाम दोस्तों को ये मालूम था कि साहिवाल में इनकी कुछ ज़मीनें हैं, लेकिन इनके सौतेले भाइयों ने मुनीर के हिस्से पर नाजायज़ हाथ डाला था। मुनीर ने अपने हकूक़ के लिए नहीं लड़ा, क्योंकि वो हसास नोयत के थे, दुनियावी अशिया की तरफ झुकाव नहीं रखते थे। इनकी पहली शादी इस वक्त सहने पर ख़त्म हुई, जब इनकी बीवी एक सड़क हादसे में मर गई। चंद दिन बाद जब इनकी ख़ानदानी दोस्त इशफाक अहमद और बानो कुदसिया PECO रोड लाहौर पर वाके इनके घर गए, तो उन्होंने इन्हें खिड़की के किनारे पर बेहोश पड़ा पाया। इस जोड़े को नाहिद नामी एक खातून मिली, और इनकी शादी मुनीर से इस तरह कर दी कि वो इनकी मौत तक इनकी देखभाल करेंगी। मुनीर ने अखबारात, रसाइल और रेडियो के लिए भी लिखा। ये रेडियो पाकिस्तान के कमरे में था, जो मरहूमा नसरीन अंजुम भट्टी और मरहूमा शाइस्ता हबीब, दो खवातीन प्रोग्राम प्रोड्यूसर और दोस्तों ने शेयर किया था कि जब वो मुनीर नियाजी से मिले, जिनके हाथ में कागज़ था जिस पर उन्होंने एक नई गज़ल लिखी थी। उन्होंने इसका पहला शेर सुनाया, जो था, बेचाई फिरना गुब्बारे हुए रहना, एक अग सी जज्बों की सुलगाए हुए रहना। नसरीन ने म्यूज़िक कंपोज़र मियाँ शहरयार को मदु किया, और रेडियो के लिए एक मौसीकार की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। यह अलग कहानी है कि गुलाम अली ने थोड़ी तरमीम के साथ इसका तर्जमा किया, जो मकबूल हुआ। गुलाम अली ये गज़ल अपनी लाइव महफिलों में गाया करते थे। मुनीर नियाजी फिल्मी गानों और पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के लिए बाकायदा मुआवन थे। इससे कबल 1960 में उन्होंने एक इशाती इदारा अलमसल कायम किया, बाद अज़ाम पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर से वाबस्ता रहे। मुनीर नियाजी शायराना मंजर नगारी के माहिर थे। वो शायरी की बहुत सी असनाफ के साथ तजर्बा करने की हिम्मत रखते थे, और एक अलग उसलूब ताल और डिक्शन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अपनी मौसर तस्वीर कशी के ज़रिए उन्होंने चंद अल्फाज में तस्वीरें बनाईं।
अफसाना निगारी, पुरानी यादें, खौफनाक रोमांस, नामालूम का खौफ और माफूकुल फितरत पर यकीन कुछ ऐसे मौजूआत हैं जिनका इनकी नज़मों में कसरत से जिक्र मिलता है। इन्हें अपनी शायरी में हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता था। मिसाल के तौर पर एक नज़म की पहली सतर जो CPO रेडियो पाकिस्तान के लिए अकरम फारूकी की मौसीकी में पेश की गई थी वो है लो फिर सांवली रजनी नी तारों भरा आंचल लहराया। इनकी किताबों के नाम हैं एक मुसल्ले, सफ़र दी रात, पंजाबी ताइजू और तन्हा फूल, छाए रंगीन दरवाज़ा, बयाबान में पुकार, जंगल में धनक, माह मुनीर, कुलियाते मुनीर, दुश्मन काई दरे मियाँ शाम। मुनीर नियाजी की शायरी के मुंतखब अंग्रेज़ी तराजम को सुहेल सफदर ने एडिट किया और 1996 में शाया किया। इनके 86वें यौम पैदाइश के मौके पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में इनके एजाज़ में मुनीर नियाजी की बातें यादें के उनवान से किताब की रोनमाई की गई। लाहौर में इस किताब में मुनीर नियाजी मरहूम के इंटरव्यूज और इनके बारे में राय के कॉलम मौजूद हैं। नियाजी ने अपनी फिल्मी गानों में अदब और शाइस्तगी का लम्स दिया, जैसे कि दर्द ज़ेल मकबूल गानों में है, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। गुलुकार मेहदी हसन थे जिनकी मौसीकी हसन लतीफ़ लाइलिक ने फिल्म ससुराल के लिए दी थी। जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा, गुलुकारा नूरजहां ने इस गाने को गाया। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त, गुलुकारा नसीम बेगम थी, फिल्म शहीद की मौसीकी राशिद अतरे ने दी थी। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, गुलुकार मेहदी हसन थे, फिल्म तेरे शहर में की मौसीकी हसन लतीफ लैलिक ने दी थी। जिंदा रहे तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या, गुलुकारा नाहिद अख्तर थी और फिल्म खरीदार के लिए एम अशरफ ने मौसीकी दी। मुनीर नियाजी को साल 1992 में सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। साल 2005 में सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज अवार्ड मिला। 26 दिसंबर 2014 को शाया होने वाली खबर में कहा गया कि उर्दू में लिखने वाले शाकिर के बरक्स नियाजी को पंजाबी पर भी दस्तरस हासिल थी और उन्होंने अपनी 3 तसानीफ पंजाबी में शाया की, जिनमें सफ़र दी रात, 4 चुप चीज़ा और रास्ता दसन वाले तारे हैं। सारी जिंदगी मुकालमे से महरूम मुनीर नियाजी सांस की बीमारी के बायस 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में इंतकाल कर गए। मुनीर नियाजी अपनी तमाम तर तहरीरों के साथ आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। खुदा ताला उनकी मगफरत करें और उनकी आगे की मंजिलों को आसान करें। तो नाजरीन, ये थी मुनीर नियाजी के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।